इस वक्त एक बड़ी खबर यूपी के बागपत से आ रही है, जहां पर एक सिपाही ने अपनी ही पत्नी को गोली से उड़ा दिया। दरअसल आपको बता दें, मामला बिनोली थाना क्षेत्र के रंछाड़ गांव का है, जहां पर सोनू नामक सिपाही जो कि सहारनपुर में तैनात था, पिछले कुछ दिनों से छुट्टी बिताने अपने घर आया हुआ था। बताया जा रहा है कि बीती रात किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ, जिसके बाद सिपाही ने अपने ही सोती हुई पत्नी को गोली से उड़ा दिया और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इस वक्त एक बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बागपत में यूपी पुलिस के सिपाही ने अपनी ही पत्नी को गोली से उड़ा दिया और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल गया। बिनोली थाना क्षेत्र के रंछाड़ गांव का यह है पूरा मामला, जहां पर यह वारदात हुई है। बीती रात करीब 12:30 बजे थाना बिनोली के ग्राम रंछाड़ में कांस्टेबल सोनू ने अपनी पत्नी की तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी और स्वयं भी गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया। कांस्टेबल सोनू वर्तमान में पुलिस लाइन सहारनपुर में तैनात था। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है। घटना के संबंध में जांच एवं विधिक कार्रवाई की जा रही है।